गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, अज आप इंट्रोडक्शन एंड हिस्टरी ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 9 डिस्कस करांगे। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब कर लेना भी ता जो वध तो वध थोड़े नॉट थोड़े कोल वीडियोज़ पहुँच सकन। ते जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नू लाइक कमेंट ते शेयर जरूर कर दिओ। तो चलो अज का सैशन आप शुरू करते हैं, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर हु हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज़ कॉल्ड MOS। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MOS? तो MOS की कहना फुल फॉर्म की हैगी है डियर स्टूडेंट, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पैशलिस्ट। तो सी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पैशलिस्ट के उत्ते तुसी टिक लगाओगे, ठीक है जी। नैक्सट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग टपोलॉजीज़ हैज़ हाईएसट रिलायबिलिटी। तो केड़ी टपोलॉजी की रिलायबिलिटी सब तो ज़्यादा हैगी है स्टूडेंट, तो मैश टपोलॉजी डी है। तो डी ऑप्शन मैश टपोलॉजी की जी रिलायबिलिटी है, मतलब यूज़ है काफ़ी तरीके नाल किया जा सकता मैश टपोलॉजी का, ठीक है जी। नैक्सट है MOV फाइल एक्सटेंशन आ डिजिटल कंटेनर फॉर, जी MOV फाइल्स होंदिया ने वो कहता किस दे लई डिजिटल कंटेनरस ने, वीडियोज़ एंड मल्टीमीडिया के लिए। तो ए ऑप्शन के उत्ते वीडियोज़ एंड मल्टीमीडिया के उत्ते टिक लगाओगे, ठीक है जी। नैक्सट है 8085 माइक्रो प्रोसैसर है, जरा 8085 माइक्रो प्रोसैसर जरा आप फस्ट आप कह देना माइक्रो प्रोसैसर जरा मेन यूज़ करते थे 8 बिट माइक्रो प्रोसैसर सेगा। तो 164 का ए ऑप्शन 8 बिट माइक्रो प्रोसैसर से टिक ला दूंगी डी, ठीक है जी। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XML यूज इन वैब डिजाइनिंग? तो XML का मतलब अपना फुल फॉर्म की हैगी है डी, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंगुएज डी ऑप्शन के उत्ते टिक लगाओगे, ठीक है जी। नैक्सट है अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वैबसाइट इज़ कॉल्ड, केड़ा प्रोग्राम वैबसाइटा वेखन वरत्या जाता है उस प्रोग्राम आप बोलते हैं ब्राउजर बोलते हैं। तो ए ऑप्शन ब्राउजर के उत्ते टिक लगाओगे, जिहड़ा प्रोग्राम वैबसाइटा देखने के दे काम आता है, ठीक है जी, ब्राउजर। नैक्सट है दी परपज़ ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर फायरवॉल का की काम है, जरा फायरवॉल है थोनों सिक्योरिटी देता, थोनों बचा के रखता है हाईजैकर्स तो। 167 का ए ऑप्शन फॉर सिक्योरिटी के उत्ते टिक लगा दोगे, ठीक है। नैक्सट है दी फायरवॉल इज यूज इन अ कंप्यूटर फॉर, कंप्यूटर फायरवॉल का की काम है, कंप्यूटर फायरवॉल का काम जरा है सिक्योरिटी का, मतलब प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, भी कोई बाहरला बंदा थोड़े अकाउंट में मतलब चला ना सके। तो डी ऑप्शन के उत्ते टिक लगाओगे, ठीक है जी। नैक्सट है हाइब्रिड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टेक डाटा इन द फॉर्म ऑफ, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होंगे ने वो किस तरह का डाटा लेंदे ने डियर स्टूडेंट्स? अपने डिजिटल तो एनालॉग बहुत टाइप्स का डाटा लेंदे ने, दैट्स वाई इसनों हाइब्रिड कहते हैं डियर, ठीक है जी। नैक्सट है रेजोल्यूशन पावर ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, तो कंप्यूटर की जी रेजोल्यूशन पावर है किस नाल मापी जाती हैगी है? तो कंप्यूटर की जी रेजोल्यूशन पावर है पिक्सल की हेल्प नाल मापी जाता है, भी जी मतलब रेजोल्यूशन है मतलब जी आप अपना व्यू देख रहे हैं भी कितना साफ है डियर, रेजोल्यूशन पिक्सल। नैक्सट वट इज़ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन आ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डाटा की सब तो छोटी यूनिट कि हैगी है? तो बिट कहते हैं डियर, तो बिट BIT बिट 01 बिट कह दें आप, तो सब तो छोटी यूनिट होंगी है डियर। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैब ब्राउजर डेवलप्ड बाय एप्पल डियर, तो हेठ लिखे वैब ब्राउजर विचों केड़ा एप्पल कंपनी ने बनाया है? तो एप्पल कंपनी का जरा वैब ब्राउजर हैगा डियर स्टूडेंट, तो वह अपना हैगा एप्पल कंपनी का जरा वैब ब्राउजर हैगा, ओके है जी, तो अपना सफारी हैगा डियर स्टूडेंट। तो डी ऑप्शन सफारी के उत्ते टिक लगाओगे, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा ना ऑरली मैं थोनों ऐड कर दिना भी कुछ वैब ब्राउजर तुम नोट कर सकते हो, एक वर्ल्ड वाइड वैब ये सब तो पहला वैब ब्राउजर सीगा 1990 डेवलप होया सीगा। देखो WWW एक साइट है, देखो वो चीज़ अलग है, वर्ल्ड वाइड वैब ये वैब ब्राउजर 1990 फाउंड होया सीगा, ठीक है जी। गूगल क्रोम 2008 फाउंड होया सीगा गूगल ने, इंटरनेट एक्सपलोरर है 1995 माइक्रोसॉफ्ट का वैब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सपलोरर, सफारी 2003 डेवलप किया सीगा एप्पल का है वैब ब्राउजर, ठीक है जी। मोजीला फायरफॉक्स 2002 मोजीला फाउंडेशन ने फाउंड किया सीगा, यूसी ब्राउजर 2004 अलीबाबा ग्रुप ने फाउंड किया सीगा, ओपेरा 1994 फाउंड होया सीगा, सी प्लस प्लस लैंग्वेज लिखा हुआ ओपेरा,
नेटस्केप नैविगेटर भी हैगा, मोजैक भी हैगा, 1993 विच डेवलप होया सीगा। इहनू डेवलप नैशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ने किया सीगा। माइक्रोसॉफ्ट एज, ब्रेव, विवलाडी, ईपिक, ये सारे की ने डियर स्टूडेंट वैब ब्राउजरस ने। ठीक है जी, गल लास्ट वाले मैं दोबारा तो लिख के भी दिखा देना, विवलाडी, ठीक है जी, ईपिक, ओके है जी, ब्रेव, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे डियर स्टूडेंट अपने वैब ब्राउजरस होंगे ने। ठीक है जी, तो इन्हें मैं तुम क्वेश्चन, एप्पल ने भी कहा वैब ब्राउजर डेवलप किया, सफारी वैब ब्राउजर डेवलप किया एप्पल ने। नैक्सट हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ वैब ब्राउजर। देखो गूगल क्रोम है जरा, ये भी हैगा डियर, मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, बट फाइल एक्सप्लोरर नहीं है। डी ऑप्शन के उ टिक लगाओगे। ठीक है जी, द फस्ट इंडियन वैब ब्राउजर डेवलप्ड बाय इंडियन यूजरस। पहला भारतीय वैब ब्राउजर जो भारतीय लिए बनाया गया से उसका नाम की सीगा, ईपिक। तो 174 का डी ऑप्शन ईपिक के उत्ते टिक लगाओगे। ठीक है जी, नैक्सट है, विच वैब ब्राउजर अवेलेबल विद फस्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पहला वैब ब्राउजर जिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया सीगा, तो सी ऑप्शन इरवाइज़ दे विच। तो इरवाइज़ जिहड़ा अपना वैब ब्राउजर है, इस दे विच मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया सीगा। नैक्सट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फस्ट ग्राफिकल वैब ब्राउजर। तो यह लिखा जो पहला ग्राफिकल वैब ब्राउजर केड़ा है, तो जरा पहला ग्राफिकल वैब ब्राउजर सीगा वो मोजैक सीगा डियर। तो डी ऑप्शन मोजैक है जरा पहला ग्राफिकल वैब ब्राउजर है। ठीक है जी, नैक्सट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जरा इंटरनेट एक्सप्लोरर ना का एक्सप्लोरर ना का अपना वैब ब्राउजर है, किसने 1995 लॉन्च किया इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया इंटरनेट एक्सप्लोरर। नैक्सट है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग वैबसाइट। तो वैबसाइट को चलाने लिए केड़ा प्रोटोकॉल का आप इस्तेमाल करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल का आप यूज़ करते हैं। ठीक है जी, नैक्सट है, द फस्ट पेज ऑफ वैबसाइट इज़ कॉल्ड एज। वैबसाइट के पहले पेज में की कहा जाता है, तो वैब पेज का जो पहला पेज होता है डियर स्टूडेंट, यू आप होम पेज कहने, तो ए ऑप्शन होम पेज के उत्ते टिक लगाओगे। ठीक है जी, नैक्सट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ वैब ब्राउजर। हेठ लिखा कि वैब ब्राउजर नहीं है। ठीक है जी, तो कि वैब ब्राउजर इन्होंने नहीं है डियर स्टूडेंट, बिंग नहीं है डियर, BING बिंग, क्योंकि सर्च इंजन है। ठीक है जी, ये वैब ब्राउजर नहीं है, ये सर्च इंजन है। तो होप करता डियर स्टूडेंट तुम्हें अज का सैशन चंगा लग्या होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।